नमस्कार, वक्त हो चला है वार पलटवार का। मैं हूं प्रिया खरे। आज हम अपने डिबेट में उस राज्य की बात करेंगे जहां का दंगल विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन इस दंगल में अब सियासी एंट्री हो चली है। दंगल के खिलाड़ियों की तो एंट्री हुई थी, लेकिन अब बीजेपी ने आसमान से पायलट की एंट्री कर दी है, क्योंकि बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में योगेश बैरागी का नाम है, जो कि पायलट कैप्टन है। और इस तरीके से उनकी जो सियासी एंट्री दिखाई जा रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए क्या मुसीबत की घड़ी है, क्योंकि जुलाना सीट से कांग्रेस ने विनेश फोगाट को चुनावी मैदान में उतारा है। अब बीजेपी ने कैप्टन जो है योगेश बैरागी, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि वो पहले से ही भाजयुमो के साथ जुड़े हुए हैं, भाजयुमो उपाध्यक्ष है, लेकिन अब विधानसभा चुनाव लड़ना कितना मुसीबत वाली बात कांग्रेस के लिए हो सकती है, विनेश फोगाट के लिए हो सकती है, साथ ही बीजेपी के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जुलाना जो सीट है यहां से कभी भी बीजेपी ने जीत हासिल नहीं की। एक बीजेपी को उम्मीद है कि शायद यहां से जीत हासिल हो, लेकिन इसका क्या कुछ असर होगा, कितने बीजेपी की यह रणनीति काम लाती है, साथ ही कांग्रेस के लिए ये कितनी मुसीबत बनती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से सियासी दंगल देखने को मिल रहा है, एक बात तो तय है कि ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए हम इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से एडवोकेट संजय कुमार जुड़े हुए हैं, बीजेपी की तरफ से डॉक्टर वैभव विदानी जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। वैभव विदानी जी, एक लिस्ट में अब जो नाम आया है ये लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, योगेश बैरागी का नाम है, क्या उम्मीद बीजेपी लगा के बैठी है, क्योंकि जुलाना सीट से जीत हासिल करना कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए भी एक मुसीबत वाली बात है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव पूरे दमखम से लड़ती है, और जो इन्होंने बाहर से एक बंदा भेज दिया विनेश फोगाट जी, उसके कारण परमिंदर ढुल जी थोड़े नाराज चल रहे हैं, ढुल परिवार थोड़े नाराज चल रहे हैं। अब वो इंतजार कर रहे हैं कि भाई अगर कुछ जीतने मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो बगावत का सुर तो वहां से भी शुरू उठने शुरू हो चुकी है। बगावत तो आप में भी हो रही है सर, बीजेपी में बगावत ज्यादा दिख रही है। हाँ देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सबसे खास बात क्या है कि एक संगठन की पार्टी है, ठीक है। यहाँ पे व्यक्ति विशेष के इतने ज्यादा वोट नहीं है आपके, ये कई बार मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे कितने मुख्यमंत्री तक के हमारे यहाँ पे दावेदार थे जो छोड़ के गए और बाद में आए, और उन्होंने अपना स्थान को कहाँ से कहाँ पहुंचाया, ये भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ संगठन की बेस की पार्टी है, इतने पुराने नेता है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है, जो इनकी पार्टी है, इनकी सबसे बड़ी खूबी क्या है, ये एक गुट की पार्टी है। ये गुट हुड्डा का, ये गुट शैलजा का, ये गुट सुरजेवाला का, ये गुट हमारे विजेंदर जी का। इसके लिए इनमें नेता के आने जाने से फर्क पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कभी फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी का जो बेस है, जो कहते हैं ना बूथ अध्यक्ष से लेकर, वो किसी व्यक्ति विशेष से नहीं जुड़ा हुआ, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी संगठन से व्यक्ति जुड़े होते हैं और वो संगठन के तहत अपना काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस की आप सबसे खूबी बात है कि देखिए, अभी तक लास्ट दो दिन रह गए चुनाव के नामांकन भरने के, अभी तक लिस्ट देने में इनको दिक्कत हो रही है, इनके पास लिस्ट के लिए नाम नहीं फाइनल हो पा रहे हैं, क्योंकि गुट इतना हैवी हुआ पड़ा है। सुनने में आ रहा है कि कुमारी शैलजा जी ने रिजाइन की पेशकश कर दी है, क्योंकि उनकी नहीं मानी गई है। उनकी मान लेंगे तब दिक्कत है, उनकी नहीं मान लेंगे तब दिक्कत है, क्योंकि एक बाप बेटा जो है इनकी पार्टी में, वो बेटे को प्रोजेक्ट जो करने में जो लगे हुए हैं उसमें उनको दिक्कत आ रही है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है, एक बाबरी जी ने बयान दिया था कि सांसद भी हमारे सीएम हो सकते हैं, तो वो शैलजा जी की तरफ नहीं था, वो हुड्डा जी के बेटे की तरफ था, जिनको वो देना चाहते थे कि भाई उनको बनाने के लिए हम प्रोजेक्ट करने वाले हैं, जिसके कारण ये सारी फूट है और सारी बातें। ठीक है संजय कुमार जी, जुलाना सीट से अब योगेश बैरागी चुनावी मैदान में है विनेश फोगाट के अगेंस्ट में, लग रहा है कि कांग्रेस के लिए एक मुश्किल वाली बात है। मैडम, मेरे से पहले भी आपने इसके ऊपर रिएक्शन लिया होगा, क्या किसी भी कांग्रेस के नेता ने हाय तौबा मचाई, जैसे हमारे भाजपा के लोग छाती पीट रहे थे, हमने तो नहीं पीटी, वो आ रहे हैं, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, इज वेलकम। और मैं तो कहूंगा यदि, लेकिन संजय जी एक चीज समझने वाली बात है, वैभव विदानी जी ने जो ये कहा है, हाँ वैभव विदानी जी ने ये कहा है कि आप बाहर से कैंडिडेट लेकर आए हैं, भी एक बात कह रहा हूँ, ये जो भी कैंडिडेट आएगा, दोनों पहलवान है, यदि
मैं तो ये कहता हूँ कि एक भी जीतेगा तो इसका मतलब एक तो बात तय है ना कि खिलाड़ी जो है वो विधानसभा में रिप्रेजेंट करेगा। देखिए हमें जो है हमने एक राजनीतिक विचारधारा के खिलाफ संघर्ष शुरू किया, हम उस संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध हैं, हमारी कैंडिडेट जो है हम उसके साथ हैं, उसके मुकाबले में कोई आए हमें इस बात से कोई परवाह नहीं, हम अपनी फुटिंग्स पर लड़ेंगे, हम अपनी पिच के ऊपर लड़ेंगे और हम ये सीट जो है वो जीतने का। संजय जी कहीं ना कहीं विनेश फोगाट को उतारने का मकसद ये था कि पहलवानों का मुद्दा खूब छाया था, वहां विनेश फोगाट पहुंची थी और उन्होंने खूब चर्चा बटोरी थी, सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन अब जब योगेश बैरागी चुनावी मैदान में उतरे हैं, 2019 में जिस तरह से कोरोना के दौरान उन्होंने काम किया है और साथ ही ये कहा कि हम प्रधानमंत्री के काम से काफी प्रभावित हुए इसलिए राजनीति में उनकी एंट्री हुई, उनके काम को भी सराहा गया, लगता है कि जनता कहीं ना कहीं इस बार डामाडोल वाली स्थिति में आ सकती है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी जो है वो भी उसी तरह के कैंडिडेट उतार ली है, दूसरी तरफ विनेश फोगाट है, ये मुसीबत वाली बात है ना। मैडम सब कोई मुसीबत वाली बात नहीं, सबसे पहले हम कोई पहलवानों की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, विनेश फोगाट को लाके हम कोई महिला पहलवान के किसी बैनर को नहीं उठा रहे थे, हम नारी सम्मान की बात कर रहे थे, हम उस एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहे थे जो महिलाओं को वर्क प्लेस के ऊपर सहनी पड़ती है, हमारा कोई हम उस लड़ाई पर कल भी थे, हम उस लड़ाई पर आज भी हैं। और जहां तक इस नैरेटिव को बनाने की, खिलाड़ी वर्सेस खिलाड़ी तो बात ही नहीं है, विनेश फोगाट और जो हमारी हरियाणा की जो बेटियां हैं उन्होंने किसान आंदोलन में भी जो है वो शिरकत की। संजय जी खिलाड़ी वर्सेस खिलाड़ी की बात ही नहीं हो रही है ना, एक तो पायलट रहे हैं और दूसरे खिलाड़ी रही हैं, यहाँ पर तो खिलाड़ी वर्सेस खिलाड़ी की बात ही नहीं है, व्यक्ति इम्पोर्टेंट है ही नहीं, इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं और जिस जो उसका फ्लैग बीरर है वो जनता के सामने, हमारा फ्लैग बीरर हम ले आए वो अपना ले आए, ठीक है वो सिद्धांतों पे कार्डर पे प्रोग्राम पे पॉलिसी पे बहस होगी और लड़ाई जारी रहेगी, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है वैभव विदानी जी, अब संजय कुमार कह रहे हैं कि यहाँ पर लड़ाई खिलाड़ी वर्सेस पायलट की तो है नहीं, लोगों की लड़ाई है नहीं, पार्टी की लड़ाई नहीं है, मुद्दों की लड़ाई है। वैभव विदानी जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो मुद्दों के अंदर हमारे बिल्कुल मिल रही है, अभी आपको आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। ठीक है, मुद्दों की लड़ाई के अंदर नायब सैनी जी ने कुछ प्रश्न पूछे थे इनसे जिसका जवाब उन्होंने आज तक नहीं दिया। क्या मुद्दे थे वैभव जी? तो ये एक राजनीतिक पार्टी का, हाँ वैभव जी देखिए जो इनका हिसाब, जो हमसे ये हिसाब मांग रहे थे उसी हिसाब के बारे में इनसे पूछा गया था कि आपने 10 साल में क्या काम किया, आपके मुद्दे क्या है, सिर्फ क्या निकल के आया, भ्रष्टाचार, उसके बाद क्या निकल के आया कि भाई परिवारवाद की राजनीति, उसके बाद क्या निकल के आया कि किसी तरह शैलजा गुट को कंट्रोल करो, उसके बाद क्या निकल के आया कि किसी तरह सुरजेवाला को दूर रखो, उसके बाद क्या निकल के आया कि किसी तरह आप आम आदमी पार्टी से गठबंधन करके भ्रष्टाचार काम करेंगे, लेकिन जब वहां समझौता नहीं हो पाया तो अब लास्ट के 2 दिन रह गए हैं नामांकन भरने के, अभी तक कैंडिडेट नहीं मिल पाए हैं, मुद्दों के लिए आपके नेता तो होने चाहिए, आपको इतनी क्या घबराहट है कि 2 दिन रह गए हैं आप अभी तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रहे। ठीक है, बाहर से ऐसे प्रत्याशी बता रहे हो, इस पर जवाब दे देंगे संजय कुमार जी। ठीक है संजय कुमार जी, क्या आप लोग इसलिए रुके थे कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो जाए, बात बन जाए, इसलिए उसके बाद हम लिस्ट की घोषणा करेंगे, लेकिन अब तो ये किसी भी सूरत में ऐसा लग नहीं रहा है कि गठबंधन पूरा होगा, और ये सवाल तो अभी भी है, मैं अभी भी यही पूछना चाहती हूँ, अब तो ये मान लेना कि गठबंधन नहीं होगा। देखिए ये तो टॉक ऑफ द टाउन था ही कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो एडजस्टमेंट्स की बात कर रही है, ये कोई लुकी छुपी बात या कोई एम्बिश फायरिंग वाली बात तो थी नहीं, ये तो स्पष्ट थी। और जब ये बातें हो रही थी तो ये जाहिर सी बात है, जब हम सीट एडजस्टमेंट के अंदर जा रहे थे तो कौन सी सीटें हम लड़ेंगे, कौन सी इनको देंगे, ये वाकई ये बात थी। अब जब वो समझौते की सारी अटकलें खत्म हो गई है, सब संभावनाएं खत्म हो गई है,
आज रात 9:30 बजे तक रुके, हमारी लिस्ट जो है वो आ जाएगी, कोई उसमें जल्द है नहीं है। दूसरा ये जो बार बार भ्रष्टाचार शिष्टाचार इसकी बात कर रहे हैं, अरे इलेक्ट्रोल बॉन्ड से बड़ा भ्रष्टाचार इस आजाद हिंदुस्तान में हुआ ही नहीं है। ये मेरी टिप्पणी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की जो है वो टिप्पणी है। तो इसलिए ये भ्रष्टाचार, ये इनके खाने के दांत और है, दिखाने के और है, इनके दो मुंह है, एक आरएसएस का मुंह है, एक भाजपा का मुंह है, एक काटता है एक चाटता है। तो ये बातें जब आज की डेट में कॉरपोरेट करप्शन इतनी ज्यादा हो गई है और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में जब ये एक्सपोज हो गए, अरे आपका तो मुंह ही नहीं है कि भ्रष्टाचार की आप बात करें, आप जमीन घोटाले की बात कर रहे हैं। अरे वो राहुल गांधी ही थे, वो कांग्रेस की यूपीए सरकार थी जो लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स लेके आई थी, जिसमें था कि जो जहां पर रह रहा है उसकी 75% सहमति के बिना जमीन जो है वो एक्वायर नहीं होगी। बाद में उसमें जो रद्दो बदल की वो आपकी सरकार ने की, हमने तो वो जो जिसे कहते हैं ना उस प्रॉब्लम को जड़ से मिटाने का प्रयास किया कि ये जो लैंड एक्विजिशन का मसला है ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए, लोगों की सहमति, और ये सेक्शन 4-6 पब्लिक यूटिलिटी वो यूटिलिटी इसमें जो घाला माला हो रहा था उसको खत्म करने का प्रयास किया, आपने उसको दोबारा रिस्टोर किया। ठीक है संजय जी, नू से अगर बात की जाए, ठीक है हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर से वैभव विदानी जी। वैभव जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? ठीक है वैभव जी नहीं मिल रही है, संजय जी आपके पास आऊंगी। नू से जो है दो कैंडिडेट ऐसे उतारे गए हैं जो मुस्लिम है, बीजेपी की तरफ से लगता है कि ये कुछ कमाल दिखेगा या कुछ नया ये लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। नहीं, उनका ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है और मैं इसको सिंबॉलिक से, इनकी पार्टी में एक वो थे सिकंदर बख्त और एक दो और थे, एक तो गाजीपुर का थे एक वो बिहार के थे। अब लोगों में ये चर्चा थी कि ये सिर्फ जो है वो शोपीस हैं और इनका काम जो है वो सिर्फ सेवा करना, और एक सिकंदर बख्त एक मुस्लिम फेस भाजपा में था, वो वाइस प्रेसिडेंट थे उसको, लेकिन वो तब जब बीजेपी सत्ता से बाहर थी। बाद में ये जो नकवी साहब आए और शाहनवाज हुसैन साहब आए, इनकी कितनी की अहमियत रही ये देखिए। फिर मैं एक बात दोबारा एक बात कह दूं, सवाल ये नहीं है कि कैंडिडेट कौन है, सवाल ये है कि जो कैंडिडेट है वो किसके लिए काम कर रहा है, ये ज्यादा जरूरी सवाल है। संभव है एक, लेकिन ये सिर्फ कह देने से तो संजय जी नहीं होती है ना। हाँ, उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई, उस यूनिवर्सिटी का नाम हिंदू यूनिवर्सिटी और उसमें मॉडर्न एजुकेशन दी गई। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसमें मॉडर्न डीएवी दयानंद एग्लो वैदिक इंस्टीट्यूट सारी मॉडर्न। सो नाम मैटर नहीं करते, काम मैटर करते। जी ठीक है वैभव जी, अभी मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल मिल रही है। वैभव जी, नू से दो कैंडिडेट आपने उतारे हैं, नू की अगर बात की जा रही तो पुनहाना और फिरोजपुर झिरका से दो कैंडिडेट मुस्लिम उतारे गए हैं, इसे किस एंगल से लिया जाए, क्योंकि विपक्ष कहीं ना कहीं इससे भी सवाल खड़े कर रही है कि आखिर भाई आप लोगों को मुस्लिम से क्यों इतना लगाव हो गया। हाँ 2019 में भी उतारे थे, हमारे यहाँ से खड़े हुए थे, ये तो कोई बात नहीं है। अब जम्मू कश्मीर में इतने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, ये तो कोई बात नहीं है। जो हमारे फिर लेकिन नू से हिंदू कैंडिडेट को उतारने की वजह, नू से तो आप लोगों ने संजय सिंह को उतारा है ना, एक हिंदू कैंडिडेट को उतारा है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी को देखना है कि वो किस कैंडिडेट से जीत सकती है। ये पूर्ण रूप से हमारा फैसला है कि हम किस रूप को किस बंदे को कहां पे कैंडिडेट बनाएंगे और कहां पे हम जीतने की संभावना हमारी ज्यादा है। जो मेरी बात थी, मैं इनके भाई डॉक्टर एडवोकेट संजय जी की बात सुन रहा था, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। जो ये कह रहे थे इलेक्ट्रल बॉन्ड का सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है, सबसे बड़ा ये हुआ है, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो भी पैसा मिलता है वो व्हाइट में मिलता है, जिसका कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड सबके कहीं ना कहीं सरकार के पास है, जो सुप्रीम कोर्ट के कारण सामने आया। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड लाने वाली भारतीय जनता पार्टी थी क्या 2014 से पहले? क्या 2014 से पहले कभी फंड नहीं आते थे? कांग्रेस पार्टी इतने साल सत्ता में रही है, क्या उसका कभी हिसाब है? चलो
अब इनको ये लगेगा इलेक्ट्रल बॉन्ड के अंदर क्या कांग्रेस पार्टी ने फंड नहीं लिए। तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा फंड लेने वाली इलेक्ट्रल में संजय सिंह की पार्टी कांग्रेस पार्टी है, तो वो पैसा क्यों लिया। तो बात वो की है, सच है, आप उससे पहले भ्रष्टाचार करते थे, बिल्कुल करते थे, खुलेआम करते थे, और आप किसी को पता नहीं लगने देते थे। हमने तो वाइस बैलेंस शीट में शो करता था। ठीक है संजय जी, इस पर छोटी सी टिप्पणी ले लेते हैं और फिर अपने मुद्दे पर आ जाते हैं। ठीक है, हाँ सी आ गई। जब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की प्रोसीडिंग चल रही थी, ये छाती पीट रहे थे, हम नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, सब लुट जाएगा। अरे वो तो सुप्रीम कोर्ट ने जब डंडा दिया, फिर उन्होंने कहा इसमें 6 महीने लग जाए। अरे इनके जो सॉलिसिटर जनरल थे उनकी भैंसे जब हम सुनते थे, बहुत जोर जोर से हंसी आती थी, बहुत जोर जोर से हंसी आती थी। वो तो लास्ट मूवमेंट तक इस बात के लिए रहे कि हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। जो ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लेके आए, इन्होंने कहा कि उससे कांग्रेस ने चंदा लिया। सर अगर आप 2000 का नोट लेके आएंगे और 2000 का नोट मैं भी चला लूंगा, और मैं ये कहूंगा कि 2000 के नोट से ब्लैक मनी जो है वो घटी नहीं, बढ़िया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, मुद्दे पर रहते हो गया। इलेक्टोरल बॉन्ड का बहुत मुद्दा सर छाया था, डिबेट बहुत बार हो चुकी है। ठीक है वैभव इदानी जी, अब ये सवाल लोग भी कर रहे हैं, जनता भी पूछ रही है कि आप कह रहे हैं जरूर कि हमारी जो पार्टी है वो लोगों के हित के बारे में सोचती है, पारिवारिक पार्टी नहीं है, लेकिन जो मंत्री विधायक आपके साथ काम कर चुके हैं, अपनी सेवाएं 5 साल दे चुके हैं, आज जब उनका टिकट काटा जा रहा है तो ये जनता ये सोच में पड़ रही है कि क्या हुआ। आप तो कहते हैं कि आपका सरकार बहुत अच्छी, आपकी सरकार काम कर रही है, फिर उन लोगों का टिकट क्यों काटा जा रहा है, क्या ऐसी दिक्कत हो गई। देखिए जो सर्वे में आ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया, यही सबसे अच्छी बात है हमारे यहाँ पे कि किसी भी कार्यकर्ता को कभी भी टिकट दी जा सकती है, किसी भी कार्यकर्ता को कभी भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, किसी भी कार्यकर्ता को उसकी क्षमता के हिसाब से, उसकी क्षमता के हिसाब से उसकी काबिलियत को दी जाती है। कांग्रेस पार्टी के अंदर उन्होंने कितने भी सर्वे कराए, लेकिन फिर तो यही सवाल होता है ना वैभव जी, फिर तो घुमा फिरा के वही सवाल होता है कि क्या जो मंत्री का टिकट काटा गया, जो विधायकों का टिकट काटा गया, क्या वो काम सही ढंग से नहीं कर रहे थे, फिर क्यों टिकट काट दिया गया। हो सकता है वो हरियाणा लेवल पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए हो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ग्राउंड लेवल पे उन्होंने काम कम किया हो, अपनी विधानसभा में काम कम किया हो। और बहुत से ऐसे मंत्री या कैबिनेट के राज्य मंत्री जिनकी टिकट रिपीट की गई है, इसमें कोई बात ही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ जो ग्राउंड लेवल पे कार्यकर्ता काम करता है उसी को टिकट देने में होते हैं। हमने कोई भारत कैंडिडेट नहीं लाने, हमने कोई जेजेपी वेजेपी की वेट नहीं करेंगे, ला सकता हम अपने कैंडिडेट घोषणा कर चुके हैं। बाहर से किसको कह रहे हैं वैभव जी, बाहर से किसको कह रहे हैं सर, नाम लीजिए सर, ये बाहर और अंदर की बात मत करिए डिबेट में। हाँ जेजेपी और आम आदमी पार्टी जो वेट कर रही है अपने टिकट देने में, तो सर यहाँ तो ना तो जेजेपी के कोई बैठे हुए प्रवक्ता, ना आम आदमी के पार्टी के बैठे हुए, फिर आप बाहर भीतर क्यों कर रहे हैं सर, डायरेक्टली कांग्रेस से बात करिए ना। हाँ तो कांग्रेस भी तो वेट कर रही है। हाँ। वो भी तो अपने कैंडिडेट नहीं दे पा रही है। हाँ। उनमें भी उनके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है, इनके अंदर ही अंदर का है बाहर का है, एक गुट हुड्डा ग्रुप का है, दूसरा ग्रुप जो शैलजा ग्रुप का है, तो अंदर वाले हुड्डा ग्रुप के, बाहर वाले शैलजा ग्रुप के है। डायरेक्ट कांग्रेस से बात करते हैं तो इनके अंदर भी बटे हुए लोग है कि भाई इस ग्रुप के लोग उठाने हैं या उस ग्रुप के लोग उठाने हैं, इसलिए 2 दिन रहते हुए भी इनका फैसला नहीं हो पा रहा। माननीय सांसद शैलजा जी को आज रिजाइन तक देने की पेशकश करनी पड़ी है, वो खुद इल्जाम लगा रही है। संजय जी ये बातें बार बार क्यों आती है कि कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा का भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराजगी चल रही है, और ये समय समय पे ऐसी खबरें आती रह रही हैं। अब विधानसभा चुनाव पे अगर ऐसी खबरें आएगी तो इफेक्ट तो पड़ेगा ना सर। अगर कुमारी शैलजा जो हैं उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाना हो तो उनके लिए इलेक्शन जीतना क्या जरूरी है? क्या ऐसा नहीं हुआ है कि जो आदमी लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं हुआ हो वो क्या चीफ मिनिस्टर नहीं बना? अरे मनमोहन सिंह जब बने थे वो कौन सी लोकसभा जीत कर आए थे? वो राज्यसभा से उनको चुनकर भेज दिया गया। सो ये मुद्दा नहीं है। देखिए फिर एक बात है कि दो हमारे स्टार वॉल्ट है, कुमारी शैलजा भी है, हुड्डा जी भी है, और भी है बीच में सुरजेवाला जी भी है, तो वो जो जीतेंगे कैंडिडेट्स वो इस बात का फैसला कर लेंगे और उसमें कोई सिर फोटोबल नहीं है।
बार बार हमारे मित्र एक परिवारवादी परिवारवादी शब्द याद करते हैं। देखिए 60s और 70s में जितने कांग्रेस के लीडर आए या उनके बच्चे आए वो सारे फ्रीडम फाइटर थे। आपकी पार्टी में इसलिए नहीं आए जाए जो आपकी पूर्ववर्ती भारतीय जनसंघ थी, क्योंकि आप लोग तो अंग्रेजों की मुखबिरी करते रहे, तो आप कहां से फ्रीडम फाइटरों के बच्चे लेके आते। बाद में हमारी पार्टी से चाहे वो सुशील शास्त्री जी के बच्चे हों दूसरे हों, वो आपकी पार्टी में गए। तो ये परिवारवादी वो भाई जिस पार्टी की इतिहास पुराना है, जिसकी दो तीन जनरेशनें आएंगी उसी के पास तो ये परिवारवाद की ऑप्शन होगी या उसके परिवार के लोग होंगे। आपके पास नेक्स्ट जनरेशन आपकी भी आ रही है, वो है गोली मारो ठाकुर, क्या अनुराग ठाकुर जो है जो गोली मारता है लोगों को नारे देता है वो क्या है, वो जो अमित शाह जी के बेटे हैं जो यूपीएससी के एग्जाम देके बीसीसीआई में, तो ये छोड़िए परिवारवादी और ये बातें। अब आपका वो जो मुद्दे हैं जनता के हम पर्सनल अटैक से ठीक है। वैभव विदानी जी लगभग वैभव विदानी जी को मेरी आवाज नहीं मिल रही। हाँ। जवाब देना चाहूंगा। ठीक है बोल लीजिए। हाँ संजय जी का जवाब देना चाहूंगा। संजय जी ने हमारे जिनको ये कहा कि हम मुखबरी करते थे, तो संजय जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का इतिहास जान लीजिए, कांग्रेस पार्टी में कभी कैबिनेट में जो उस टाइम की कांग्रेस थी उसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई है। आप अपने शब्द कृपया करके ऐसे चुने कि मर्यादा बनी रहे। अगर आप किसी के लिए गलत शब्द चुनेंगे जहां मर्यादा आप खोएंगे और पर्सनल वो करेंगे आप वो अच्छा नहीं करेंगे। आप किसी पहले इतिहास जाने बिना किसी की मर्यादा में उंगली ना उठाएं। कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रमाण है राहुल गांधी जो असफल नेता है, जिसको प्रोजेक्ट करने में आप लगे पड़े हो वहीं से सब प्रोजेक्ट है, जो विदेश में जाकर ये बात कह रहा है। ठीक है सर, ठीक है। खतरे में है सर। आप लोग दोनों के आपस में लड़ने की वजह से समय की कमी हो जा रही है। ठीक है वैभव जी, मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है चलिए, समय की कमी है। वैभव विदानी जी अंतिम सवाल का जवाब ले लेती हूँ। अभी तक जुलाना में एक उपचुनाव को लेकर 14 लगभग चुनाव हुए हैं और इसमें बीजेपी पार्टी ने जीत हासिल नहीं की है। योगेश बैरागी ऐसा क्या कहते हैं कि रुख लेंगे, या फिर उनके चेहरे पर ऐसा क्या दाव लगेगा कि आप जुलाना सीट जीत सकेंगे? देखिए मुझे इतना लगता है कि कांग्रेस पार्टी ही हमें जिताएगी वहां पे, क्योंकि जो इनके पुराने नेता थे जो पहले पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, जो कई बार जुलाना से चुनाव भी लड़ चुके हैं जीत भी चुके हैं, वही हमारा वही परिवार। मुझे ऐसा पूरी उम्मीद है कि वो भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। कांग्रेस पार्टी अपने फूट से हमें जिताएगी, प्लस भारतीय जनता पार्टी का बेस का वेट और भारतीय जनता पार्टी का किया हुआ काम, हमारा जो विकास किया है हमने जो 10 साल का पढ़े थे ना उसके दम पे हम वो वापस यही चीज तो वैभव विदानी जी आप लोगों के लिए भी हो रहा है ना। आप भले ही कह रहे हैं कि हमारी जो है पारिवारिक पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी सबका विकास करके चलती है, लेकिन जो नेता मंत्री नाराज हो रहे हैं या तो वो दूसरी पार्टी का राह पकड़ रहे हैं या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं या फिर आपके खिलाफ हो जा रहे हैं, तो इससे तो नुकसान आप लोगों को भी होने वाला है ना। हाँ मोस्टली नेता हमारे मान चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता जो हैं अभी तक वो तो टिकटों के इंतजार में लगे हुए हैं कि भाई कब आना है कब नहीं आना, कब हमारी टिकट आएगी, कब हम असंध से जिनकी टिकट कटी है कल वो बोल रहे हैं कि हम फैसला करेंगे कि क्या करना है नहीं करना, और कहीं ना कहीं नाराजगी जता रहे हैं आपके साथ में, तो ऐसी तो ये लगभग बहुत सारी बात हो गई है ना। हाँ देखिए थोड़ा बहुत दुख तो हर जगह होता है जब किसी के व्यक्ति की टिकट कटती है। हाँ। ये तो हम भी कहते हैं कि भाई दुख होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो संगठन को छोड़ देगा, संगठन के खिलाफ हो देगा। ठीक है, भारतीय हाँ। जनता पार्टी संगठन की पार्टी है। ठीक है संजय कुमार जी, जुलाना सीट से दो बार आप लोगों ने जीत हासिल कर चुकी है, जेजेपी भी हासिल कर चुकी है सीट, लेकिन इस बार का चुनाव कहीं ना कहीं बीजेपी ये मान रही है कि जीत उनके हाथ में है, क्योंकि योगेश बैरागी को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। लग रहा है कि एक बार फिर से जुलाना सीट आप जीत सकते हैं। मैडम मैं एक बात कहूंगा, मैं चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो, मैडम हम लोग ना इंडिविजुअल्स पर इतना जोर दे देते हैं, हमें ये लगता है कि जो इंडिविजुअल का करिश्मा है ना वो ही सब कुछ है। ठीक है, मुझे लगता है कि इससे जो पार्टी है उसका जो स्ट्रक्चर है उसका जो कार्यकर्ता है, यदि बीजेपी कहीं जीतेगी तो वो अपने संगठन अपने काडर
के बल पर जीतेगी, करिश्मा का जो परसेंटेज है वो बहुत बड़ा नहीं होगा। अगर कांग्रेस कहीं जीतेगी तो अपने कार्यकर्ता, अपने संगठन, अपने बूथ वर्कर के सिर पे जीतेगी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरियाणा के दंगल में फिलहाल दाव दोनों ही पार्टियां भर रही है, हालांकि आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतर चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि सभी जीत के ताल ठोकती नजर आ रही है। खैर, अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जीत का जो ताल है वो कितना दम दिखाता है। हर एक पार्टियां ये कह रही है कि हमारा जो कैंडिडेट है वो बेहतर प्रदर्शन करेगा, लेकिन ये सब सिर्फ वक्त की बात है और वक्त का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद स्थिति साफ होगी हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है और फिर लोग किसे चुन रहे हैं। वार पलटवार में बस इतना ही, आप देखते रहिए रफ्तार मीडिया। नमस्कार।